हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरपीस लाइफस्टाइल में। बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। स्ट्रेसफुल लाइफ, खराब पानी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बालों का झड़ना बहुत ही कॉमन हो गया है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी आजकल बालों के झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे तेल के बारे में जो घर के साधारण सामान के साथ बन जाता है और 2 हफ्ते के अंदर ही आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हेयर फॉल इज नॉर्मल एंड इन मोस्ट पीपल दोज हेयर ग्रो बैक, बट मैनी मैन एंड सम वुमेन लूज देयर हेयर एज दे ग्रो ओल्डर। You can also lose your hair if you have certain diseases such as thyroid problems, diabetes or lupus. Other causes are stress, low protein diet, family history or a poor nutrition. Treatment for the hair loss depends on the cause. In some cases, treating the underlying cause will correct the problem. इस तेल को लगाना ही काफी नहीं है। आप अपने डाइट में भी काफी चेंजेस लाएं। ऐसी चीजें खाएं जो आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स भी आते हैं, जो कॉमनली हम जिसको 7 सीज कैप्सूल के नाम पे जानते हैं। इनको भी अपने डाइट में शामिल करें। 15 से 20 दिन के अंदर आप एक मेजर चेंज नोटिस करेंगे अपने हेयर फॉल। ये तेल उन लोगों के लिए है जिनको हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज, वीक हेयर रूट्स और ड्राई हेयर एंड स्कैल्प की प्रॉब्लम हो। इस तेल को बनाना बहुत ही सिंपल है। हम लोग लेंगे इसके लिए 100 ml नारियल का तेल। आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है पैराशूट कोकोनट ऑयल। एक फ्राई पैन लें और इस 100 ml तेल को पूरा इस फ्राई पैन में डाल दें। नारियल के तेल के बहुत सारे गुण होते हैं। नारियल के तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीफंगल तत्व बालों को डैंड्रफ दूर करने में मदद करते हैं। ये स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं और बालों की बेहतर ग्रोथ के लिए भी बहुत असरदार होता है। इसके बाद डालेंगे हम नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। वो हैं गुड़हल के फूल 5 से 6, गुड़हल के पत्ते 10 से 12, साथ ही साथ 1 स्ट्रैंड कड़ी पत्ते का। ये सारी ही चीज़ें बालों के लिए सुपर फूड्स हैं। इसके साथ आप डाल सकते हैं 1 फ्रेश आंवला कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को गैस पर धीमी आंच पर रखना है। ध्यान दें, हमें इनके पोषण तेल के अंदर डालने हैं, इस वजह से गैस को किसी भी हाल में हाई फ्लेम पे नहीं करना है। गुड़हल के फूल और पत्तों में मौजूद एमिनो एसिड केराटीन बालों को झड़ने से रोकता है। कड़ी पत्ते के इस्तेमाल से बंद हेयर फॉलिकल्स खुल जाते हैं और स्कैल्प को सांस लेने का मौका मिलता है। और आंवले में तो अनगिनत गुण होते हैं, जैसे कि ये बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल है, बालों को झड़ना कम करता है और हेयर एजिंग में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगले 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट है मेथी दाना और कलौंजी। दोनों ही 1-1 चम्मच आप इसमें डाल दें। मेथी दाना ना सिर्फ बालों के टूटने को रोकता है बल्कि उन्हें घना और चमकदार भी बनाता है। और कलौंजी के बारे में बात करें तो ये बालों का झड़ना रोकने के साथ साथ बालों को कंडीशनिंग देता है, जिससे बाल चमकदार और खूबसूरत बनते हैं। अब लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स ठीक से मिल चुके हैं, यहाँ तक कि तेल का कलर ट्रांसपेरेंट से लाइट ग्रेश बन चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ढक के रखेंगे जब तक कि ये तेल रूम टेम्परेचर में नहीं आ जाता। बीस से 25 मिनट के अंदर ही ये रूम टेम्परेचर में आ गया है। नाउ द नेक्स्ट वर्क, इसको छान कर एक बंद कंटेनर में रखना है।
जब आप रूम टेम्परेचर में इस तेल को एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे, उसके बाद हम डालेंगे आखिरी इंग्रेडिएंट जो कि है कैस्टर ऑयल। 100 ml नारियल के तेल में हम डालेंगे 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ना ही सिर्फ बालों का झड़ना रोकता है बल्कि बालों को घना भी बनाता है और नए बाल उगाने में भी बहुत मददगार होता है। तेल बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लें, उसके बाद आप इस तेल को लगाएं, स्कैल्प पे और बालों पर अच्छी तरीके से लगाएं। मिनिमम 2 से 3 घंटे इसे बालों में रहने दें और अगर आप इसको ओवरनाइट रख सकें तो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मिनिमम इसको हफ्ते में 2 दिन लगाएं और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप इसको हफ्ते में 3 दिन भी लगा सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।